Hello, good morning all of you. Now, another type problem, another type numericals for equal charges of cross Q each charge are get at the four corner of a square of side, what should be the nature and magnitude? What should be nature and magnitude of the charge that is kept at the center of the square so that all the five charges, in equilibrium? तर कौन कहला ना अब मने अर प्रीवियस टाइप का जो प्रॉब्लम को थिले से प्रीवियस टाइप का प्रॉब्लम पे थिला जब मन करो वोटे सर्कुम करंस थिला सर्कल ले अब मन करो कौन दिखला हाँ वोटे स्क्वायर देखला अन्य टाइम बोर्ड ले चार्ज ठीक है जी इन्हें भी अब मन करो फोर टा इक्वल चार्ज वोटे स्क्वायर हो ची देयर इज नो सर्कुम करंस ठीक है जी किंतु प्रीवियस प्रॉब्लम रे अम्मा ने करथिले देखिथिले जे ओटे सर्कमफेरेंस थिला किंतु एठी अम्मा ने करो कोन कहि छि ना 4 टा चार्ज ठीक अछि प्लस q इज आर केप एट इट्स कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ठीक अछि देखबा न नै अब द साइड सपोज लेट अस कंसीडर द साइड इज r ओके as it is a square distance between all side are remain same what should be the nature and magnitude of the charge that is kept at the center then what should be the charge of magnitude at its center so that all the five charges are in equilibrium look at this at the four corner all the charges are positive that's why we have to keep नेगेटिव चार्ज लेट माइनस क्यू चार्ज एट इट्स सेंटर सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इच चार्ज बुझ पाछो ना नै तो नेगेटिव चार्ज जो रखिबा तले ये कोन करबो ने देखो कॉर्नर कॉर्नर कोन करचोते ने रिपल्सिव फोर्स को करचोते तो सेंटर कोन करबो ना मानकर अट्रैक्टिव फोर्स पकेबो बुझेला ना नै तले हम पचार छी तले क्यू चार्ज टा केते फर्स्ट पचाला मैग्नीट्यूड जेतु सब गुड़ का मानकर पॉजिटिव अछि तले क्यू टा कोन करबा ना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स दोछि हम जे नेगेटिव रखिबा तले मानकर अट्रैक्टिव फोर्स हो अट्रैक्टिव फोर्स ले कोन होबो ना समस्त इक्विलिब्रियम रे रहिबे बुझेला ना नै फर्स्ट पचाला मैग्नीट्यूड तापर पचार छी फाटे द वैल्यू ठीक अछि ए क्यू टा केते होबो हम मानगो फाइंड करियर अछि आज सब चार्ज गुड़ को इक्विलिब्रियम रहयो सपोज ताले हम मान कोन करियो ना फाइंड करिवा ए कॉर्नर रे हम मान पर केते चार्ज होछि सपोज एटा नै गली ए बी सी डी ए ऑलरेडी हम माने कॉर्नर रे केते चार्ज होछि फाइंड करचंदे केमते हम माने फाइंड करू ना रो कॉर्नर रे कोन पड़े ना दिते साइड फोर्स पड़े ता सहित कोन पड़े डायगोनल फोर्स पड़े साइड फोर्स द्वारा सपोज एटा ऊपर जाउची एटा ऊपर गला एटा सेला एकी गला ठीक अछि त एटा होछ हम मान पर सी बी देन फोर्स आर दिस इज कोन ना सी बी बुझिल त एटा केते फोर्स ए बी समान को रिजल्टेंट होछ केते सपोज एफ बी बी बुझ पाला ना नै तला मान कर हम जान छथि एफ सी बी इक्वल टू केते दैट इज सी बी तले ठी चार्ज होछ केते प्लस क्यू चार्ज एठी चार्ज होछ प्लस क्यू चार्ज
that is q square by 4 pi epsilon 0 that is kate r square equal to cos of the saman f b ra magnitude so the saman bujho chila nahi na bujh parlo nahi f c b ta cos of the saman f a b so the saman tale ta par hum kon kariba na ye jo dita side ama force find kale saman ka resultant force let side ra resultant force hoji f b b tale f b b equal to kate na that is root over f c b ra square प्लस ए ए बी रस स्क्वायर मुझे लगा नहीं दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर रूट ओवर सॉरी इट होल स्क्वायर एंड दैट इज होल स्क्वायर मुझे लगा नहीं तो एटा होचे हम मान कर फर्स्ट फाइंड करचोंती तार केते हिजबो दैट इज जदी रूट ओवर काट दबा दैट इज इगरा 2 केते ना जदी रूट ओवर काट दबा दैट इज जो रूट 2 इनटू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बुझेला नहीं तो एटा होचे हम मान कर कोनो ना आगो साइड रो रिजल्टेंट फोर्स तापर हम कोन करबा ना डायगोनल फोर्स को हम माने फाइंड कर देन तापर हम कंसीडर करबा फर्स्ट डायगोनल सॉरी अगर साइड रो करले तापर कंसीडर कर जे डायगोनल फोर्स रिपल्सिव दैट इज एफ डी बी बुझो छ ना है डी और बी रो जो फोर्स आछे डायगोनल फोर्स का रिपल्सिव एफ डी बी तो हम मान कर फर्स्ट बी बी जोटा सेटा हो जे साइड वाइज फोर्स रो रिजल्टेंट एटा साइड रो रिजल्टेंट फोर्स बुझला एटा हो जे कोन ना डायगोनल रो बुझ पाछो ना है ताले एफ डी बी इक्वल टू केते ना दैट इज एटी बी रे आछे केते चार्ज q एटी केते अछि q दैट इज q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आज इट इज स्क्वायर सो टू चार्जेस रो डिस्टेंस समान कर केते दैट इज रूट 2 और साइड हो केते r बुझेला ना नाही ताले डिस्टेंस केतला रूट 2 इनटू r रो स्क्वायर बुझेला दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 रूट 2 r रो स्क्वायर इक्वल टू केते गेला 2 r स्क्वायर बुझेला ताले हम मान पाई गेले देखा हम मान पर सेंटर एफ बी रे केते फोर्स पडछे तीनटा फोर्स पडछे देखा साइड वाइज फोर्स आउट डायगोनल फोर्स ताले हम मान पर नेट फोर्स एट सेंटर एफ बी इक्वल टू केते दैट इज एफ बी बी नेट फोर्स एट सेंटर हमर केते पडिवो एफ बी इक्वल टू साइड वाइज रो रिजल्टेंट फोर्स प्लस डायगोनल फोर्स बुझेला ना नाही देन एफ बी बी हम कर कहते छे रूट 2 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 आर स्क्वायर ठीक अछि तार कॉमन कते गला क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर कॉमन गला रहला कते रूट 2 प्लस अछि कते रहला 1/2 बुझला ना नाही तार पर हम मन कर कोन q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर दैट इज एलसीएम 2 2 रूट 2 प्लस 1 दैट इज द फोर्स एट सेंटर ऑफ b हम माने फर्स्ट वन कले ना रिपल्सिव फोर्स जोडा थिला f b रे पाई वाले तापर क्वेश्चन हम कोन करला ना ने सेंटर रे को फोर्स होइबो ठीक अछि हम माने कॉर्नर रे पाई गेले f b पाई गेले किन हम मान को वर्तमान पछे कहो छि फाइंड करियर अछि द सेंटर रे को फोर्स रहइबो सो दैट ऑल द फाइव चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम तो सेंटर रे हम मान नै छथि माइनस q बुझ पाछो ना नाही तापर हम मान करो जेतु इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहइबो ठीक सुन थाओ इक्विलिब्रियम कंडीशन रहइबो ये जो फोर्स अछि रिपल्सिव फोर्स ये तार कोन हबो ना तार अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स हबो रिपल्सिव रो डायरेक्शन को करछि आउट आउट देछि ताले हम मान करो ए जो सेंटर रो कॉर्नर भीतर जो फोर्स पड़िवो सेटा को फोर्स पड़िवो अट्रैक्टिव फोर्स पड़िवो आ दैट इज द डायरेक्शन इज अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स जो डायरेक्शन दे तार अपोजिट रेला अट्रैक्टिव फोर्स बुझेला ना नाही ताले बी ओ भीतर फोर्स जोटा पड़िवो दैट इज को फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स बुझेलो आ एफ बी रे जो फोर्स पड़तला दैट इज रिपल्सिव फोर्स ताला हम को कोन करिवार अछि ना इक्विलिब्रियम सेंटर हम को इक्विलिब्रियम करिवार अछि सेंटर जेहेतु इक्विलिब्रियम हबो सेते पई त हम मन कोन करिया पडो ना सेंटर रे केते फोर्स पड जेटा देखिबा सपोज सेंटर हम मन छथि ओ बुझेलो एटी चार्ज अछि माइनस क्यू रो चार्ज ताले एटी चार्ज कोन अछि प्लस क्यू चार्ज ताले हम मन को डायरेक्शन कोन लेला
एफ बी ओ ठीक अछि एटा जे सेंटर को जो फोर्स पड़छि आ अट्रैक्टिव फोर्स मन रख सेंटर बेटा को फोर्स पड़छि अट्रैक्टिव फोर्स एफ बी ए इक्वल टू बी ओ इक्वल टू कते ना को बी ओ रो डिस्टेंस टा कते देखिबा लक्ष्य कर बी डी इक्वल टू कते ना बी डी टा टोटल रो डिस्टेंस होछि √2r बुझि होछि ना बुझि होले टोटल डिस्टेंस होछि √2r तले बी ओ इक्वल टू कते ना दैट इज इक्वल टू बी डी बाय 2 दैट इज इक्वल टू √2r बाय 2 तले दैट इज r बाय √2 √2 2 काटले √2 बुझिलो ना नाही √2 को 2 रे काटले √2 बुझियाला ना बुझ पालो नी ठीक अछि तले डिस्टेंस आ भीतर कते ना ओ रो बी भीतर डिस्टेंस बुझियो जीबा ओ बी डिस्टेंस टा कते हम मान करो दैट इज इक्वल टू r बाय √2 किंतु टोटल डिस्टेंस टा कते √2 r किंतु एटा जे तो हाफ तार दैट इज r बाय √2 तले फोर्स हमर सेंटर कते हबो दैट इज इक्वल टू दी चार्ज कते अछि माइनस q एठी कोन चार्ज अछि प्लस q माइनस q इनटू प्लस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 ठीक अछि डिस्टेंस कते r बाय √2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q बाय q 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर कर देले तले 2 टा ऊपर पड़ेला माइनस 2qq बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर बुझिलो तले हम मान कर सेंटर रे फोर्स पाई गेले आ कोन पाइले ना कॉर्नर रे फोर्स पाइले जेहेतु दि जणो जाको कोन हेबे इक्विलिब्रियम कंडीशन कासिबे एटा रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन को केते बेला आसीबो ना दिटा फोर्स सेते बेले इक्वल हेबे ठीक अछि रिपल्सिव फोर्स समान करो कॉर्नर रो आ समान करो अट्रैक्टिव फोर्स सेंटर रो जेते बेला इक्विलिब्रियम कंडीशन को आसीबे बा इक्वल हेबे से समझ जाय कि सब चार्ज पडियो कोन ना इक्विलिब्रियम आसीबे ताले हम मान कर कोन हेला जेहेतु इक्विलिब्रियम कासिबो सेते बे हम मान कर एफ बी ठीक अछि फोर्स रिपल्सिव एट सेंटर कॉर्नर इज इक्वल टू फोर्स अट्रैक्टिव ठीक अछि बी ओ एट सेंटर बुझलो ना नै फोर्स समान कर अट्रैक्टिव बी ओ सेंटर रो इक्वल हो का सहित ना कॉर्नर सहित ठीक अछि दैट इज q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर 2 √2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू एफ बी ओ केते हला माइनस 2 qq बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर बुझेला ना बुझेला ने एडी q ओटे q कटि गला 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर कैंसिल ठीक अछि तले हम पाइले केते q into 2 root 2 plus 1 by 2 is equal to minus 2 q. हम फाइंड करे थिला a q. ताले minus 2 टा कौन आला? ये पुरे पहले से डिवाइड ही गला. ताले that is minus q into 2 root 2 plus 1 by 4 equal to q. मुझे ला ताले सेंटर से देखते क्या हम प्रोपोज पड़ी हो? ठीक अछि ताले हम मान कर कोन ऑल द फोर चार्जेस आर इक्विलिब्रियम हम जो सर्कमफेरेंस निकले सर्कमफेरेंस जहां थिला आर आंसर टाइप सब गुडी को सेम ठीक अछि किंतु माने रखिताओ से जो सर्कमफेरेंस देखला प्रीवियस प्रॉब्लम रे सर्कमफेरेंस किछि भी यूज नथिला ठीक अछि पिला मान को एबले क्वेश्चन पके कंफ्यूज करछि पिला मान भाबो जों देख सर्कमफेरेंस छ तार किछि न्यू होबो अना सर्कमफेरेंस जहां थिला एथि हम मान कर सेम खाली से सर्कमफेरेंस देखला कि दे सर्कमफेरेंस नै नथला माने प्रोसेस दुई जन कर सेम बुझेला ठीक अछि ता पर देखिबा तापर हम देखिबा नोट ठीक अछि नोट रे मन रखिबा हम देखितले रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 और डाइइलेक्ट्रिक सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी एट मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के ए के टा हम कोन करले ना स्पेसिफिक इंडक्टिविटी कैपेसिटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने कि हम माने लिखितले ठीक अछि त हम माने लिखितले कोन ना के इक्वल टू स्पेसिफिक इंडक्टिविटी कैपेसिटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए हम मान को नोट हो छि ए के रो वैल्यू गुड़ी को वैल्यू ऑफ के ठीक अछि त हम जेहेतु के टा मीडियम ऊपर डिपेंड करता है तार तार वैल्यू गुड़ी को चेंज होता है ठीक अछि वैल्यू ऑफ के बुझिला त एटा होछि नोट बहुत सारे टाइम सब क्वेश्चन पडो छे के धर सपोज वैक्यूम पाई ठीक अछि के फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू
1 ঠিক আছে কে ফর এয়ার ইকুয়াল টু 1.0008 ঠিক আছে তারপর সরি 00054 ঠিক আছে তারপরে কে ফর ওয়াটার কে ফর ওয়াটার ইকুয়াল টু 80 কে ওয়াটার মিডিয়াম পাই 80 কে ফর মেটাল ইনফিনিটি ঠিক আছে এগুড়ি কইছে কে এর ভ্যালু যেগুড়ি কাম মানে ইউজ করি পারিবা বা শর্ট কোশ্চেন পড়ুছি ঠিক আছে আগে নোট করে লিখে নে যাও সল্লা আমানকর সরি গলা কুলম্বস ল এবং তার রিলেটেড প্রবলেম গুড়ি ক সমস্ত বুঝ পারলো না নাই তারপরে আমানকর নেক্সট হচ্ছে যেহেতু আমানকর কুলম্বস ল রিলেটেড প্রবলেম ডাইলেট্রিক ঠিক আছে এ সব গুড়ি ডিসকাস কর দেলে এবলে আমি ডিসকাস করিবা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড তো ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন এ বিষয়ে আমি মানে ডিসকাস করিবা ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি কোন এটা আর মিনিং কোন দেখো আগে ইলেকট্রিক ফিল্ড মিনিং কইছি সাপোজ গটে চার্জ রাখিছি ঠিক আছে প্লাস কিউ র গটে চার্জ রাখিছি আমরা জানিছন্তি চার্জ র ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে কোন চার্জ র প্রপার্টি হচ্ছে চার্জ কম করিব না সব বলে গটে ফোর্স অফ ইন্টারঅ্যাকশন করতায় अदर বডি সহিত অলওয়েজ গটে ফোর্স অফ ইন্টারঅ্যাকশন পকাই থায় রিপালসিভ ফোর্স বা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স সাপোজ এক চার্জ কো রাখিছি পজিটিভ চার্জ কম কইলে না চার্জটা পজিটিভ চার্জ রইছি ঠিক আছে যদি আম মানে গটে নেগেটিভ চার্জ কো আম মানে ইন্ট্রোডিউস করিবা সাপোজ মাইনাস কিউ নেগেটিভ চার্জ কো এ চার্জ আর কো ইন্ট্রোডিউস করিবা তাহলে চার্জটা ধর মোরে 80 আছে ঠিক আছে মোরে এউড়ু নেগেটিভ চার্জ পকেইবি তাহলে কোন ই অ্যাট্রাকটিভ বা রিপালসিভ ফোর্স পকেইব না পকেইবনি গটে পার্টিকুলার ডিসটেন্স ভিতরে পার্টিকুলার স্পেস ভিতরে চার্জ তার ফোর্স পকেই থায় বুঝেলা না নাই গটে চার্জ মু এইঠি আছে আর গটে বা আমেরিকা রে চার্জ কো রাখিলি আমেরিকা ইন্ডিয়া ভিতর দিন চার্জ কোন ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন রিপালসন পকেইব পকেইব নাই গটে পার্টিকুলার স্পেস ভিতরে ঠিক আছে যদি আউ গটে চার্জ কো আমি ইন্ট্রোডিউস করিবা তাহলে এ চার্জ তার কোন করিব না রিপালসিভ ফোর্স বা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স পকেইব ঠিক আছে আর রিপালসিভ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কত বড় পড়িব না এ চার্জ উপর ডিপেন্ড করছে এটা মেবি সেম কাইন্ড অফ চার্জ কি অপোজিট কাইন্ড অফ চার্জ হব বুঝছ না নাই সাপোজ মু কম করিবি এটা প্লাস কিউ চার্জ কো এঠি জানি রাখিলি তাহলে ই অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স পকেইব নি বা রিপালসিভ ফোর্স পড়িব নি কিন্তু যখন এঠি কি নি আসি পৌঁছে দেবি তাহলে কোন হব না ফোর্সটা রিপালসিভ ফোর্স পড়িবা আরম্ভ হব বা তুমি তো স্যার প্লাস কিউ ন নাই কি মাইনাস কিউ নিও তাহলে কোন হব না অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স পড়িব তাহলে আমি কোন জানলে না গটে চার্জ তার গটে পার্টিকুলার এরিয়া রিজিয়ন ভিতরে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন নলে রিপালশন ফোর্স পকেই থায় মু এঠি গটে চার্জ রাখিছি আর গটে এঠি রাখিছি ডিসটেন্স বহুত অধিক আছে তাহলে ফোর্স কম করে এ ফোর্স আকু কেবে বি কোনসি প্রকার ঠিক আছে রিপালসিভ বা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স ন পকেই বনি গটে পার্টিকুলার ডিসটেন্স কো পড়ে আসলা পরে এ ফোর্স কম করিব না এ চার্জ কম করিব না পরে অ্যাকশন করিব ফোর্স অফ রিপালশন নলে অ্যাট্রাকশন কম করিব করিব তাহলে আমি কোন জানলে চার্জ গটে পার্টিকুলার এরিয়া রে পার্টিকুলার স্পেস রে রিপালসিভ বা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স পকেই থায় বুঝেও না নাই যো এরিয়া রে রিপালসিভ বা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স পকায় সে এরিয়া কো এ চার্জ র ইলেকট্রিক ফিল্ড বলি কোয়া যায় বুঝেলা না নাই সাপোজ এই এরিয়া ভিতরে কম করছে এ চার্জ কম করছে না আনাদার চার্জ আসলে রিপালসিভ ফোর্স বা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স পকাউছি তাহলে এই এরিয়া কো এ চার্জ র কোন কোনতে না ইলেকট্রিক ফিল্ড কোনতে দ্য এরিয়া স্পেস অ্যারাউন্ড হুইচ এ চার্জ ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন অর রিপালশন দিস স্পেস around the charge is known as electric field মানে কোন না সাপোজ এই চার্জটা প্লাস কিউ চার্জ এই এরিয়া ভিতরে রিপালসিভ ফোর্স বা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স পকাউছি সেই এরিয়া কো এই চার্জ র কোন কোনতে না ইলেকট্রিক ফিল্ড কোনতে আর যো চার্জটা আমানকর ফিক্স হইকি থায় ঠিক আছে সেটা আমি কোন কইতাও আর যোটা
ब्रॉड करथाओ से चार्ज को एटा को कोन करथाओ मन रख जोटा मान कर फिक्स है के थाए सेटा का सोर्स चार्ज को ठीक अछि आ जो चार्ज टा को इंट्रोड्यूस करथाओ सेटा को सबले टेस्ट चार्ज करथाओ बुझिला ना नाही ता मान कर फिक्स टा को जो सोर्स चार्ज को आ जाए अगर अगर इंट्रोड्यूस करा जाए सेटा का टेस्ट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज और वैल्यू टा सब बड़े वेरी स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल मन रख व्हाई रीजन बे हम माने कहबा आगो को ठीक अछि एटा होछे जे इंट्रोड्यूस हुए सेटा होछे टेस्ट चार्ज पूरा जोटा फिक्स हे के थाए सेटा का हम कहता सोर्स चार्ज रो अराउंड रे ठीक अछि कौन करे ना रिपल्सिव फोर्स बा अट्रैक्टिव फोर्स पके थाए जो एरिया भीतर है ये सोर्स चार्ज ता रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स को एक्ट कर थाए से एरिया को से रिपल्सिव फोर्स कौन कहते ना हम मान कर कौन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते ताले एठी हम मान कर ए एरिया को दे छे मु ठीक अछि ए सोर्स चार्ज कौन कर छे ना ए एरिया भीतर जो भी चार्ज आसीबो मे भी पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो ताले कौन करबो ए सोर्स चार्ज ना रिपल्सिव फोर्स पकेबो ताले अट्रैक्टिव फोर्स पकेबो जेतो पॉजिटिव चार्ज अछि तदे हम एठी पॉजिटिव आनिबा ताले रिपल्सिव हबो तदे नेगेटिव आनिबा ताले अट्रैक्टिव फोर्स हबो ताले एही एरिया को ए चार्ज कोन कोनते इलेक्ट्रिक फील्ड कोनते स्पेस अराउंड को ठीक अछि फोर्स एक्ट करथाय से स्पेस अराउंड को कोन कोनते ए चार्ज रो कोन इलेक्ट्रिक फील्ड को जाय बुझेला ना नाही फील्ड सल्ला नेक्स्ट होछि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान देखिले गोटे चार्ज ठीक अछि ता पर्टिकुलर एरिया स्पेस भीतर कोन करे ना फोर्स गोटे पकेथाय तोर सपोज ए फोर्स एक्सपीरियंस होछि एक्स फोर्स डेवलप होचे केते बळे प्लस क्यू रो चार्ज प्लस क्यू रो यूनिट चार्ज को मु जते बळे यूनिट मन रखिताओ पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करचे आ सब बळे टेस्ट चार्ज रो वैल्यू ठीक अछि टेस्ट चार्ज ता मन रखिताओ ऑलवेज कोन हबो पॉजिटिव हबो एंड वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ता बहुत ही स्मॉल ता सहित कोन ना पॉजिटिव ठीक अछि ताले हम मान कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एटा को ई वेक्टर आर पर्टिकुलर वन डायरेक्शन अछि डायरेक्शन अछि थिबारु हम मान कर एटा होछ कोन वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर व्हाट इज ई वेक्टर ठीक अछि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the कौन define करा जाए force experienced by a unipositive discharge plate kept at that पॉइंट त माने कोनो ना गोटे जो अमान कर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन डिफाइन करा होचे ना जो फोर्स टा एक्सपीरियंस होचे केते फोर्स एक्सपीरियंस होचे ए वेक्टर ऑफ फोर्स जते बळे माने यूनि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केते नै जो प्लस क्यू चार्ज नै जो ताले अमान कर सेटा को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह जाय सपोज ई ए वेक्टर इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a unipositive test charge plus q then the electric field intensity e vector equal to kete a vector by plus q bujhela na nai tala man kor electric force kete experience hochi a vector of force jeta bala jodi source charge hochi test charge ko am anuchu tale ei around re o force poduchi a vector of force develop hochi force got experience hochi kete bale na jeta bale got uni positive test charge plus q ko got korchu bujhela na nai tale ei jo a force poduchi per uni positive test charge plus q is known as electric field intensity bujhela then e vector equal to kete na a vector by plus q where f vector is force ঠিক আছে and plus q is uni positive test charge uni positive test charge त
ଏଇଠି ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜଟା ପଜିଟିଭ ହବ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ଭାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁ ମାର୍କେଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ୱାଇ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ସୋ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ୱାଇ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ସୁଡ୍ ବି ସ୍ମଲ୍ ତ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଥର ପଢି ସାରିଲାଣି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଟୁ ମାର୍କ ୱାନ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ୱାଇ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ମଷ୍ଟ ବି ସ୍ମଲ୍ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ୟୁନି ପଜିଟିଭଟା ପଜିଟିଭ୍ ହବ ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ହବ ନା ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ହବ ପଜିଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜଟା ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜଟା ବଡ଼ ହବ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜଟା ସ୍ମଲ୍ ହବ ବୁଝିବୁ ନା ନାହିଁ ଭେରି ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ ରିଜନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ କହୁଛି ହିୟର୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ test charge would be so small that I can remember small over now its electric field will not disturb the original electric field due to sources. ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଆମମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବହୁତ ହି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଭାଲ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏଇଟା ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆକୁ ଆର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଇଏ ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିପଲ୍ସିଭ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ପକେଇବ ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ କରିବ ନା ମୁଭ୍ କରିବ ଆଇଦର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ରିପଲ୍ସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଯଦି ଏଠିକି ପଳେଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ପୁଣି ଅଦର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏ ଦେଇଛି ସେଇ କଥା ଯେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ କାହାକୁ ନା ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁଟା ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଚାର୍ଜ କନସିଡର କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଏ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଚାର୍ଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜଟା ସ୍ମଲ୍ ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜଟା ବଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏ ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି ସେ ତାର ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପଲ୍ସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବ ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ କୋଉ ଦେଖ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ଦେଖ ସପୋଜ୍ ଏଠି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜ ରଖିଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଆଣିଲି ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଏ ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ରିପଲ୍ସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ନହେଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ପକେଇବ ଯଦି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ପକେଇବ ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଆର ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଠିକି ପଳେଇବ ରିପଲ୍ସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରି ଏଠିକି ପଳେଇବ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଥିଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଠି ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଏରିଆଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଉଠୁ ଏଠିକି ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଏତିକି ରହିବ ସେ ସେଠି କ'ଣ ହବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବା ଏଠି ପଳେଇ ଆଇଲେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯଦି ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଚାର୍ଜ କନସିଡର କରିବା ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସ୍ମଲ୍ ନବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ସେଠୁ ଆଉ କିଛି ପକେଇବାର ନାହିଁ ଫୋର୍ସ ଇଏ ତାର ଫୋର୍ସ ପକେଇବ ଆଉ ଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ରହିବ ସ୍ପେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ୟୁନିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇ ଭେକ୍ଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଏଫ୍ ଭେକ୍ଟର ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇ ଭେକ୍ଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଏଫ୍ ଭେକ୍ଟର ବାଇ କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଏମ୍ କେ ଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏମ୍ କେ ଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ହବ ଏଫ୍ ଭେକ୍ଟର ଏଫ୍ ହେଉଛି ଫୋର୍ସ ଫୋର୍ସର ଏମ୍ କେ ଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଚାର୍ଜ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କନସିଡର କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ନା ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଏମ୍ କେ ଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ କୁଲମ୍
और हमर कोन पाइले न्यूटन कूलम इनवर्स शॉर्ट क्वेश्चन पढो छे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रा यूनिट से बड़ा हमन कर सीजीएस यूनिट रे कोन हबो न्यूटन जगह रे हमें कोन करबा फोर्स रो सीजीएस यूनिट होचे डायर बाय चार्ज होचे कोन स्टार्ट कूलम ताल दैट इज इक्वल टू कोन होचेबो डायर स्टार्ट कूलम इनवर्स बुझेला ना नाही ए होचे हमर इलेक्ट्रिक फील्ड रा यूनिट एमकेएस यूनिट सीजीएस यूनिट आउटिंग मन लगेता 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन आगो काम रासिबो मन लगेताओ ठीक अछि बुझिलना नै तापर हम मनकर नेक्स्ट तापर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन ठीक अछि त डायमेंशन देखो त हम मनकर एटा होछ कोन ई रो डायमेंशन काढबा इक्वल टू कते ई इक्वल टू 8 बाय स्मॉल क्यूब एटा हम मनकर कते एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय चार्ज होछ कोन टा ठीक अछि बिकॉज q इक्वल टू it i होचि कोन करंट करंट होचि एम्पियर t होचि टाइम बुझिल त चार्ज कोन हेला टा दैट इज इक्वल टू देखो लक्ष्य कर त हमर t टा 1 होचि ऊपर पर लेके दे जइबो -1 -2 -1 m l t -2 ए ऊपर पर ले -1 दैट इज m t -3 एटा ऊपर पर लेके दे जइबो a -1 बुझेला ना नाही दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक अछि थैंक यू ऑल ऑफ यू